नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज आपको मैं नंबर सिस्टम के दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और इसकी कंडीशन ये है कि जो नंबर होगा उस नंबर से जिसका डिवाइड करना है वो नंबर या तो एक ज़्यादा होगा या फिर एक कम होगा। इस नंबर से ये नंबर या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा। तो इसको करने का तरीका ये रहेगा कि जो ये नंबर दिया हुआ है उसको जिसका डिवाइड करना है उसी फॉर्म में आपको, तो देखो उसी फॉर्म में आपको इसको करना है। तो 68 को 69 के रूप में मैं लिखूंगा। तो 69 माइनस 1 की पावर 68 और इसमें डिवाइड करना है 69 का। 68 है, 68 है, 68 को मैंने 69 के रूप में इसको लिख लिया, गुणांतर माइनस 1 कर दिया, तो 68 ही रहेगा और पावर में 68 है और इसमें भाग देना है 69 का, तो शेषफल क्या होगा। तो अब देखो, अगर इस 69 का इसमें डिवाइड होगा तो भाग कंप्लीट चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। अगर फिर देखो माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर क्या है, 68। अब इसमें अगर 69 का अगर भाग दोगे तो माइनस 1 की पावर अगर सम में रहेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो 1 रहेगी, और ये 69 का इसमें भाग देंगे तो शेषफल यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये सम नहीं होके विषम संख्या होती तो ये माइनस रहता, फिर आपको क्या करना पड़ता, माइनस अगर यहाँ पे शेषफल आता उसको 69 के अंदर से घटा के करना पड़ता, वो उसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है कि 68 की पावर 68 डिवाइड करना है 67 से। तो अब इसको आपको 67 के रूप में करना है, तो क्या होगा, 67 प्लस 1 की पावर 68 और इसमें डिवाइड करना है आपको 67 का। अब देखो, अगर 68 पावर करोगे 67 की और उसमें 67 का भाग लगाओगे, 67 का अगर डिवाइड करोगे तो भाग कंप्लीट चला जाएगा, फिर क्या करना है, 1 की पावर 68 है उसमें फिर 67 का भाग पहले इसमें लगाना है फिर इसमें लगाना है। अब इसमें लगाओगे तो 1 की पावर 68 करोगे तो 1 ही रहेगा, और फिर इसमें 67 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।